Assalamu alaikum, my lovely students of grade 3. I hope all of you will be fine. I'm your SST teacher from Silk School of Tomorrow, City Campus, Bilwa. And today we are going to start our lecture number 3. उससे पहले आप लोग मुझे बताएं कि हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे. वेरी गुड, हम लोग पाकिस्तान के बारे में पढ़ रहे थे. तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था पाकिस्तान के बारे में? वेरी गुड, हम लोगों ने पढ़ा था कि पाकिस्तान को हम लोगों ने कितनी ही मुश्किलात के बाद हासिल किया. मुसलमानों ने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस दिए, उसके बाद जाके हमें पाकिस्तान मिला था. तो पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है. ग्रेड 3 के सब बच्चों को पता होगा कि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है. और बच्चे, पाकिस्तान के फाउंडर कौन थे? अब पता चलेगा ग्रेड 2 को पता है या नहीं पता ग्रेड 3 को. कुछ बच्चों की वॉइस आई है कि हमें पता है, और बच्चे कह रहे हैं कि पाकिस्तान के फाउंडर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना. तो क्लैपिंग उन बच्चों के लिए. वेल डन. कायदे आजम जो थे, जो हमारे एक बहुत बड़े लीडर थे, वो क्या हैं? पाकिस्तान के फाउंडर हैं. बेटा अगर हम लोग देखें तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत सारी नियमतों से नवाजा है. अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की लैंड को बहुत ही फर्टाइल बनाया. बच्चे अगर आप लोग जमीन देखिए पाकिस्तान की, तो बहुत ही जरखेज है. फर्टाइल क्या होता है? जरखेज होना. पाकिस्तान की जमीन क्या है? बहुत ही जरखेज है. और ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है कि पाकिस्तान की जमीन इतनी अच्छी है, जहाँ पर बहुत सारी फसलें उगती हैं. उसके बाद बेटा अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत से नेचुरल रिसोर्सेज दिए. नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं कुदरती वसाइल, जो कि अल्लाह ताला की तरफ से हमें दिए जाते हैं. तो बेटा कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं? जल्दी से बताएं. वेरी गुड, सबसे पहले ऐसा रिसोर्स बताएं मुझे जल्दी से. सबसे पहला रिसोर्स है फॉरेस्ट. वेरी गुड. और कुछ बच्चे कह रहे हैं डेजर्ट्स. वेरी गुड, वंडरफुल. डेजर्ट मीन सहरा. उसके बाद वेरी गुड, रिवर्स. और माउंटेन. माउंटेन का, माउंटेन क्या होती है? पहाड़. उसके बाद मीडोज. और ग्रेड 2 आपके माइंड में जो जो भी आ रहे हैं आप मुझे बताते जाएं. वेरी गुड. सी तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि फॉरेस्ट नेचुरल फॉरेस्ट नेचुरल रिसोर्स है. डेजर्ट मीन सहरा. रिवर्स दरिया. माउंटेन पहाड़. और मीडोस. मीडोस क्या होते हैं ग्रेड 2 ग्रेड 3? घास के मैदान. घास के मैदान. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको अपने रेफ्रिजरेटर्स में प्रैक्टिस करना है और इसको अपनी मामा के साथ शेयर करना है. उसके बाद अपनी बुक्स ओपन करें. यू हैव टू मेंटेन डे एंड डे. डे एंड डेट. वाज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान के बानी कौन थे? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना. पाकिस्तान इज अ मुस्लिम कंट्री. पाकिस्तान क्या है? एक मुसलमान मुल्क है. इट इज अ फुल ऑफ फर्टाइल लैंड. ये इसकी जमीन कैसी है? अभी मैंने बताया आपको, फर्टाइल एंड जरखेज जमीन है. एंड नेचुरल रिसोर्सेज और कुदरती जराए हैं. इट हैज माउंटेन्स, लॉन्ग रिवर्स, डेजर्ट्स, थिक फॉरेस्ट, ग्रीन मीडोस और डीप सी. यहाँ पर पहाड़ हैं, लंबे दरिया हैं, बहुत बड़े डेजर्ट सहरा हैं, बहुत थिक घने जंगलात हैं, और ग्रीन जो है घास के मैदान है, और बहुत गहरे समंदर हैं. स्टूडेंट्स, इसको आपने 2-3 दफा रिवीजन करना है. उसके बाद आप लोग अपनी नोटबुक्स पे आए. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंटेन डे डेट. टेक द होमवर्क एंड द टॉपिक इज आवर बिलव्ड पाकिस्तान. वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4. एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट अ नोट ऑन नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान के कुदरती वसाइल के नाम लिखेंगे हम लोग. तो कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं? माउंटेन, लॉन्ग रिवर्स, डेजर्ट्स,
इसके बाद आपने रिवर्स के बाद कोमा, डेजर्ट्स के बाद कोमा, ग्रीन मीडोज के बाद कोमा, डीप सी एंड फॉरेस्ट आर द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान का पी कैपिटल। इसके बाद आप लोग ने नेक्स्ट पेज पे आना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डेट मेंटेन करना है, डेट होमवर्क को टिक करके, और टॉपिक है वर्ड्स मीनिंग। मिड से एक लाइन ड्रॉ करें, एक साइड पे वर्ड्स राइट करें, एक साइड पे मीनिंग्स राइट करें। सो फर्स्ट वर्ड है हमारा फर्टाइल। फर्टाइल का मीनिंग अभी हम लोगों ने पढ़ा है तो क्या था? वेरी गुड, वंडरफुल, जरखेज। फर्टाइल का मीन जरखेज। रिसोर्सेज का मतलब है वसाई। मीडोज का मीनिंग क्या होता है? घास के मैदान। और लास्ट वर्ड है नेचुरल। नेचुरल मीन वेरी गुड, कुदरती। यू हैव टू राइट इट ऑन योर नोटबुक्स एंड ऑल्सो ऑन योर रजिस्टर्स। सो स्टूडेंट्स, इसकी आप लोग अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और अपनी मामा को इसको सुनाएंगे। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, सी यू टुमारो।